मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट का विकास करने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मोहन सरकार की ये आखिरी कैबिनेट बैठक है। देखिए यह खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले मोहन यादव कैबिनेट की आखिरी बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में अयोध्या की तर्ज पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट का विकास किए जाने का फैसला हुआ। इसके लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नगरीय प्रशासन संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब चित्रकूट में भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसलिए सीएम ने तय किया है कि चित्रकूट के विकास के लिए विकास प्राधिकरण बनेगा। इसके लिए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए शुरुआत में कलेक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब से अयोध्या का पर्यटन कई गुना 100 गुना लगभग बढ़ गया है। अब चित्रकूट भी लोग आना चाहते हैं और चित्रकूट में, चित्रकूट का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ने भी काम प्रारंभ चालू कर दिया। उन्होंने भी अपना एक प्राधिकरण बनाया है। आज की कैबिनेट में चित्रकूट नगर में एक विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। उसमें पदों का सृजन किया जाएगा और प्रथम 20 करोड़ रुपये उनको कार्य संचालन हेतु दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें वह भवन उपलब्ध कराएं और चित्रकूट का विकास भी बहुत अच्छा हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। तो इसलिए इस प्राधिकरण के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर जो चित्रकूट का एरिया है उसमें नगरीय क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है और अन्य विभाग भी है, उन सब के तालमेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राधिकरण बनाया जाए। तो ये प्राधिकरण बनाने के आज मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अंतरराज्य हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से आरंभ होगी, जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम तथा अन्य स्थानों पर किया जाएगा। जहां जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी वहां यह सुविधा शीघ्र आरंभ होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जितने भी पर्यटक स्थान हैं वहाँ जाने के लिए हवाई जहाज के माध्यम से पर्यटक अगर जाना चाहे तो जा सकेंगे। आज उसकी शुरुआत हो रही है पीएम श्री पर्यटन वायु सेना की। दूसरी ही एक पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। अभी सबसे पहले इंदौर इसका केंद्र होगा और महाकाल और ओंकारेश्वर, एक सर्किट बनेगा पूरा और उसकी भी शुरुआत आज से हो रही है। ये इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पर्यटक स्थल पर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इसका विस्तार किया जा सकेगा। मोहन सरकार ने प्रदेश के 4 धार्मिक स्थलों पर रोपवे बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, विक्टोरिया माता मंदिर से सेठानीपुरा सागर, एम्पायर सेंटर से गुरुद्वारा बाया रामपुर चौक जबलपुर, सिविक सेंटर बलदेव बाग वाया मालवीय चौक के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।